नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली एक इंट्रोडक्शन बाद में नेक्स्ट जो कन्जेक्टिव लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कलेक्टिव नेम यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल इट्स एसेसरी ऑर्गन्स एंड अ वाइटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स इन द कनाल टू प्रिपेयर फूड इटर्न इन द डाइट फॉर एब्जॉर्बशन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं नंबर वन हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है ये कनाल होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और ये एनस तक जाती है उसके अलावा हमारे पास क्या है असरी ऑर्गन्स होते हैं इनकी सिक्रेशंस जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं डाइजेशन के प्रोसेस में और कुछ फिर प्रोसेस हैं ये क्या हैं इनकी डिटेल आगे आएगी द एलिमेंट्री कनाल बिगनस एट द माउथ पॉसिस थ्रू द थॉरक्स एबडामन एंड पेलविस एंड एनज एट द एनएस पूरी ये जो कनाल है माउथ टू एन एस इसको हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल इट हैज़ ए जनरल स्ट्रक्चर विच इज़ मॉडिफाइड एट डिफरेंट लेवल्स टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसेस अकरिंग एट ईच लेवल इसका स्ट्रक्चर अभी आगे आएगा यह हमारे पास सारा डायजेस्टिव सिस्टम है स्टार्ट कहाँ से होता है माउथ से और ये ख़त्म कहाँ होता है एन एस पे तो ये जो पूरा ट्रैक होगा जिस बाई विच जो हम कुछ भी खाएंगे पियएंगे वो पास आउट होगा फ्राम द बॉडी उसको हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री कनाल एलिमेंट्री कनाल के अलावा हमने क्या असरी ऑर्गन भी होते हैं वो देख लेते हैं तो स्टार्ट में नंबर वन हमारे पास क्या है माउथ है माउथ के बाद हमारे पास नंबर टू टीथ हैं टीथ से हम खाना चुबाते हैं उसे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं नंबर थ्री हमारे पास ये सिलेवरी ग्लैंड आ गए जिससे थूक नहीं बनता इनका भी कुछ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में फंक्शन होता है ना तो अभी ये सिलेवरी ग्लैंड यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ये सेसरी ऑर्गन होगा डाइजेस्टिव ट्रैक का इसके बाद नंबर फोर फेरिंग्स आ गया इसके डिटेल हम पढ़ चुके हैं नंबर फाइव हमारे पास ऑसोफिगस आ गया ऑसोफेगस के बाद सिक्स पे ये आपको जो है ये लीवर नज़र आ रहे हैं उसके बाद सेवन जो है ये स्टमिक है मैदा हमारा एट जो है वो ये पेंक्रियाज हैं और नाइन है हमारे पास ये लार्ज इंटेस्टाइन ये जो डार्क रेड है और इसके दरमियान जो है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी हमारी अब्जॉर्बशन हो रही होती है ज़्यादातर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रही होती है और उसके बाद ये अलेवन जो पॉइंट है ये रेक्टम है जहाँ पर फीसिस टम्प्रेली स्टोर होती हैं और एन एस वो ओपनिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाती हैं तो ये पूरा हमारे पास क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री केनाल उसके साथ असेसरी ऑर्गन्स आ गए जैसे लीवर हो गया स्लेवरी ग्लैंड वगैरह हो गया अब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द फूड इटन एंटिल दे आर इन अ फॉर्म सूटेबल फॉर एब्जॉर्बशन फॉर एक्जाम्पल मीट इवन वैन कुकड इज केमिकली टू कम्पलेक्स टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री केनाल अब आपने खाया है गोश्त अब गोश्त जब यहाँ स्मॉल इंडस्टाइन में पहुँचेगा तो वो यहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता वो इतना कम्प्लेक्स है तो उसकी ब्रेक डाउन चाहिए उसकी ब्रेक का डाउन का काम कौन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम करता है उसे किस में कन्वर्ट करता है उसे कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड्स में मिनरल सॉल्ट्स में फ़ैट एंड वाइटामिन छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा उस मीट को जो आपकी बॉडी से में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो ब्लड में आ जाएंगे डाइजेस्टिव एनजाफेक्ट दिस चेंजेस आर सिकटेड इन टू कनाल बाई स्पेश्ड ग्लैंड सम ऑफ विच आर इन द वॉल ऑफ द कनाल एंड सम आउट साइड द कनाल बट विद डीडिंग इन टू इट अब ये कह रहे हैं कि ये जो मीट जो है इसमें जो कन्वर्ट होगा इसकी जो डाइजेशन होगी वो ग्लैंड की मदद से होती है कुछ ग्लैंड जो हैं वो कनाल की वॉल के अंदर ही हैं कौन सी कनाल एलिमेंट्री कनाल जैसे अगर यहाँ पर कुछ ग्लैंड होते हैं स्टमिक के अंदर ही तो वो तो यहीं से सिक्रीशन कर देंगे कुछ होते हैं जो इस कनाल से बाहर होते हैं जैसे लीवर है तो इसका इस कनाल से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है तो ये बाहर है लीवर इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे स्लेवरिक लैंडस ये भी बाहर हैं इनकी डक्ट्स होती हैं जो इसके अंदर सिक्रेशन ला रही होती हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन जब एब्जॉर््प्शन ब्लड में हो जाती है तो न्यूट्रेंट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं बॉडी उसको यूज़ करती है डिफरेंट अपने कंपोनेंट्स बनाने के लिए द प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफेक्चर ऑफ न्यू सेल्स हार्मोन्स एंड एन्जाइम्स एंड द एनर्जी नीडेड फॉर दिस एंड अदर प्रोसेस एंड फॉर द डिस्पोजबल ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटीरियल्स यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें नहीं है तो आगे चलते हैं नो no, सर ठीक है अब हम हमने नेक्स्ट देखना है एक्टिविटीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिविटीज़ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की उसको हमने पांच में डिवाइड किया है इंजेशन प्रोपल्शन डाइजेशन उसके बाद एब्जॉर्बशन एंड देन एलिमिनेशन पांच इसको हमने उसकी एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया क्या क्या होती हैं देख लेते हैं इंजेशन क्या है दिस इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे एलिमेंट्री कैनाल में आपने इंटर कर दिया इसको हम क्या बोल रहे हैं इंजेशन नेक्स्ट होता है प्रोपल्शन दिस मिक्सिस एंड मूव्स द कॉन्टेंट्स अलॉन्ग द एलिमेंट्री कनाल ये जो है ये जब जो चीज़ भी आपने अंदर खा ली है उसको फिर मिक्स करेगा और मूव करेगा एलिमेंट्री कनाल के अंदर इसको हम क्या कहते हैं प्रोपल्शन फिर उसके बाद आता है डाइजेशन डाइजेशन दा, 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 जो है ये हमारे पास दो तरीके दो तरीके की होती है एक है मैकेनिकल ब्रेक डाउन जैसे अब हम कोई नवाला हमने रोटी का मुँह में डाला है तो हम दांतों से उसे तोड़ रहे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं इसको हम कह रहे हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन दूसरी ब्रेकडाउन कौन सी है केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इंटू स्मॉल मालिकूल्स बाई एन्जाइम्स प्रेजेंट इन द सिक्रेशंस प्रोड्यूस फाइ ग्लैंड एंड सिसरी ग्लैंड दूसरी केमिकल डाइजेशन क्या जैसे मीट है तो वो अमाइनो एसिड्स वाटर फैट्स उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं केमिकल डाइजेशन तो डाइजेशन दो तरह की थी एक मैकेनिकल जो आप दांतों की मदद से कर रहे हैं और दूसरा हमारे पास क्या है केमिकल डाइजेशन जो एन्जाइम्स की मदद से कर रहे हैं नेक्स्ट है uh, उसके बाद हमारे पास एबजॉर्प्शन दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस पास थ्रू द वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कनॉल इन टू द ब्लड एंड लिव कैपिलरीज फॉर सर्कुलेशन एंड यूज बाय बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब्शन ये होता है कि जो अब आपने खा लिया केमिकली ब्रेक डाउन हो गया अब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है एलिमिनेशन इसमें क्या होता है फूड सब्सटेंसेस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड कुछ ऐसा आपने खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा या जो एब्जॉर्ब नहीं हो सका एलिमेंट्री केनाल में से इधर ब्लड की तरफ तो वो फिर एलिमेंट्री कनाली से एन के थ्रू निकाल देती है एज फीसिस और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिफिसिकेशन तो बेसिकली पाँच स्टेप्स हैं इंजेसन खाना अंदर डाल लिया एलिमेंट्री कैनाल में प्रोपल्शन वो मिक्स वगैरह हुआ टूटा डाइजेस्ट हुआ एबजॉर्ब हुआ यूजफुल चीज़ें उसमें से और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थी वो निकल गई ये पांच एक्टिविटीज़ हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की नेक्स्ट अब ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं एक हमारे पास एलिमेंट्री कनाल है दूसरे से स्त्री ऑर्गनज़ हैं यही हो गए वो लीवर वग़ैरह और पेंक्रियाज या फिर स्लेवरी ग्लैंड एलिमेंट्री कनाल का दूसरा नाम हमारे पास क्या है गेस्ट्रो इंटस्टनल ट्रैक ये क्या है लॉन्ग ट्यूब है थ्रू विच फूड पासिस कैमसिस एट माउथ ये वही बात है कि माउथ से स्टार्ट हुई एन एस पे ख़त्म हुई और इसके फिर हमने एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट पार्ट्स कर दिए इस पूरे ट्रैक को समझने के लिए वो क्या क्या है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले माउथ आएगा माउथ से फिर फेरिंग्स आपको याद होगा जो हमने कहा था जो रेस्पिरेटरी पैसेज को भी लिंक करती है और डाइजेस्टिव सिस्ट ट्रैक को भी फेरिंग्स आ जाता है फिर उसके बाद ऑसोफेगस आएगी उसके बाद ये स्टमिक में आ जाता है यहाँ से फिर घूम के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन है एंड देन हमारे पास रेक्टम है और फिर एन के थ्रू वायर तो क्या क्या पार्ट्स हैं यही पार्ट्स है, माउथ फेरिक्स ऑसोफेगस स्टमिक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कनाल इसम इस इन डिफरेंट पार्ट्स में हमने एलिमेंट्री कनाल को डिवाइड कर दिया ताकि हम समझ सकें हर पोर्शन का पर्पज़ असेसरी ऑर्गन्स क्या है वेरियस सिक्रेशन आर पोर्ड इन टू द एलिमेंट्री कॉनल सम बाई ग्लैंड लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाई ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्मिक एंड सम बाई ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द ट्रैक ये बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सिक्रेशन आएंगी वो दो तरह की होंगी एक जो एलिमेंट्री कनाल के अंदर अंदर ही ग्लैंड होंगे जैसे कि ये गैस्ट्रिक जूस है जो मैदे में से निकलता है और कुछ जो बायर से आ रही हैं जो बायर से आ रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं ये असेसरी ऑर्गन है डाइजेशन के और ये कहाँ कहाँ से आती हैं लीवर से आ सकती हैं पेंक्रियाज से आ सकती हैं या फिर ये स्लेवरी ग्लैंड से आ सकते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स थ्री पेयर्स हैं हमारे पास स्लेवरी ग्लैंड्स के इन तीन पेयर्स के हम अलग अलग नाम हैं वो पढ़ेंगे और उसकी भी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स में पेंक्रियाज एक आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया लीवर एंड बाइलरी ट्रैक यहाँ तक कोई सवाल है या आगे चलें ठीक no, गुड अब हमने कहा था कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कनाल का सेम होता है ना तो उस बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास चार चीज़ें आती हैं सबसे पहले जो बायर वाली कवरिंग होती है इसे हम सिरोसा कहते हैं या एडवेंटिशिया कहते हैं इसके बाद हमारे पास मस्कुलर लेयर आएगी जिसमें मसल्स होंगे फिर सब मकोसा आएगी और उसके बाद मकोसा तो ये चार हिस्सों में हमने एलिमेंट्री कनाल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड किया अभी हम वन बाई वन इनको देखते हैं ये एक तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम क्या कह रहे हैं सिरोसा इसके बाद हमारे पास मसल्स आते हैं मसल दो ग्रुप्स में होते हैं सर्कुलर और लॉन्गी च्यूड ये आगे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा मसल्स के बाद हमारे पास क्या है सब मकोसा आ गया और मकोसा के बाद क्या है हमारे पास मकोसा और लोमन ये जो ओपनिंग है जहाँ से फूड पास आउट हो रहा है अब आपको इसमें हमने क्या स्ट्रक्चर्स चा, पढ़े चार स्ट्रक्चर्स पढ़े सिरोसा मसल्स सब मकोसा एंड मकोसा अब आपको पेपर में यूँ सवाल आ सकता है कि एलिमेंट्री के नाल के आगे कितने वो स्ट्रक्चर में कितनी चीज़ें होती हैं तो वो चार चीज़ें होती हैं ये यूँ आ सकता है कि इनर मोस्ट कौन सी है तो मकोसा है आउटर मोस्ट कौन सी है वो सिरोसा सिरोसा अब क्या है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन दॉरेक्स इट कॉन्सिस्ट ऑफ लूज फिबरस टिश्यू एंड इन द एबडामन द ऑर्गन आर कवर्ड बाई सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम थॉरक्स जो होता है जहाँ पे लंग्स वगैरह थे वहाँ पे ये फाइबर्स की बनी हुई होती है जब ये एबडामन में आती है तो ये एक, एक बिल्कुल सीरस में ब्रेन बन जाती है और ये ऑर्गन्स को जितने भी एबडामन के ऑर्गन हैं उन्हें कवर कर लेती है जिसे हम क्या बोलते हैं पेरीटोनीम पेरीटोनीयम पेरी पेरी की मैं पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ ये है ये हमारे पास जो ये कैविटी आपको सर्कल में नज़र आ रही है ये एबडामिनल कैविटी है बेसिकली तो यहाँ पे ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कैसी होगी एक होगी जो बाहर जो बाउंड्री है एब्डोमेन की उसके साथ अटैच है जो आपको रेड में नज़र आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे प्राइटल पेरिटोनियम जैसे हमने लंग्स में पढ़ा था एक प्राइटल होती है एक विजरल बाहर वाली प्राइटल अंदर वाली विजरल तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोल रहे हैं प्राइटल पेरीटोनीम जो बेसिकली एब्डोमिनल वॉल्स की बाउंड्री के साथ अटैच है अंदर जो विजरल है ये जो अंदर ऑर्गन्स हैं जैसे ये लीवर है इसके इर्द गिर्द जो लेयर होगी उसको हम क्या कह रहे हैं विजरल ये हमारे पास स्टमिक है तो ये उसके गिर्द गिर्द जो आ रही है और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उससे हम क्या कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी ये पेरिटोनियम का समझ आ गया यस ठीक हो गया अच्छा अब इधर पढ़ लेते हैं इधर क्या लिखा हुआ है द पेरिटोनियम इज़ द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी अब सीरस मेम्ब्रेन एक लंग्स पे भी थी जिसे हम प्लूरा हम बोल रहे थे वो छोटी थी ये सबसे बड़ी है इट इज़ अ क्लोज सैक कंटेनिंग अस्माल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लुइड विदिन द अबडामिनल कैविटी इसके अंदर थोड़ा सा फ्लुइड है सप्लाई से ब्लड सप्लाई है लिम्फ वेसल्स हैं और लिफ्स नोड्स भी हैं इसका काम क्या है इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल बैरियर टू लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड कैन आइसोलेट एन इन्फेक्टिव फोकस सच एज अपडिक्स की जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाए प्रिवेंटिंग इन्वॉलमेंट ऑफ अदर अबडामिनल स्ट्रक्चर्स इसका एक काम क्या है फिजिकल बैरियर होता है फिजिकल बैरियर ऐसे होगा कि सपोज यहाँ इन्फेक्शन हो गई है ना तो उसको स्प्लिट आगे नहीं जाने देगा यहीं तक रोक लेगा ये काम किसका है पैरीटोनियम का दो लेयर्स होती हैं जैसे मैं आपको बता चुका हूँ बाहर वाली को हम पैराइटल बोलते हैं जो एबडामिनल वॉल के साथ अटैच होती है अंदर वाली विजरल है जिसमें ऑर्गन्स आ जाते हैं एबडामिनल एंड पेल्विक कैविटीज के एबडामिनल कैविटी के नीचे जो कैविटी है उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब ये मसल लेयर क्या होती है विथ समप इसको ऑफ टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स इसमें डबल लेयर होती है मसल की किसी किसी जगह पे सिंगल आएगी कहाँ आएगी नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल आएगी द मसल फाइबर्स ऑफ द आउटर आर अरेंज लॉन्गिट्यूटरली एंड दोज ऑफ द इनर लेयर इन सर्कल द वॉल ऑफ द ट्यूब बिटवीन दिस टू मसल लेयर्स द ब्लड वैसल्स इसमें भी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वैसल्स एंड फ्लेक्सिस आ जाते हैं ऑफ़ सिम्पथैटिक सिंपथेटिक नर्व जिसको हम क्या कह रहे हैं मियंटरिक uh, मियटेरिक रिफ्लेक्सिस ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे ये जो प्लेक्स हैं मसल्स में ये नर्व्स के इसे हम क्या बोलते हैं मेटेरिक प्लेक्स और इन नर्व्स का काम क्या है ये जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रक्शन रिलेक्सेशन ऑफ दीज मसल लेयर्स अकर्स इन वेव्स विच पुश द कॉन्टेंट्स ऑफ द ट्रैक ऑनवर्ड्स जब खाना जैसे एलिमेंट्री कनाल में आया तो वो नीचे डाउनवर्ड किससे मूव किसकी मदद से मूव कर रहा होता है इन मस्कुलर मसल्स की वजह से दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज़ कॉल्ड पेरिस्टॉलिस एंड इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिम्पथैटिक एंड पैर सिंपथेटिक नर्व्स ये इस तरह जो भी हमने खाया तो ग्रेजुअली वो नीचे जा रहा होगा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आया यहाँ से रिलैक्स हो गए तो नीचे आ गया फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्दर ये नीचे जाएगा इस तरह जो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है ये कौन करवा रहे हैं स्मूथ मसल्स करवा रहे हैं इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं पेरिस्टॉलसिस मसल कॉन्ट्रक्शनो मिक्सिस फूड विद द डायस्टिव जूसेज ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ द ट्रैक इज कंट्रोल एट वेरियस पॉइंटर्स विच आर थिक एंड रिंग्स ऑफ सर्कुलर मसल फिर कुछ स्पिंस्टर्स जैसे हार्ट में थे वैसे इसमें भी होते हैं जो अपवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं कि खाना नीचे की तरफ ही जाए कॉन्ट्रक्शन ऑफ स्पिस्टर्स रेगुलेट फॉरवर्ड मूवमेंट देटेज प्रिवेंटिंग बैक फ्लो इन द ट्रैक दिस कंट्रोल अलाउस टाइम फॉर डाइजेशन एंड एबजॉप टू टेक प्लेस ये हमारे पास मस्कुलर लेयर थे उसके बाद हमारे पास है सब मकोसा दिस लेयर कॉन्सिस्ट ऑफ ए लूज रोलर कनेक्टिव टिशू कंटेनिंग कॉलाजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स विच बाइंड द मसल लेयर टू द मकोसा इसमें क्या है कुछ कॉलाजन होते हैं कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और वे क्यों होते हैं फाइबर्स ताकि ये मसल लेयर को जोड़ सकें मकोसा के साथ बेसिकली मकोसा और मसल लेयर के दरम्यान हमारे पास क्या है सब मकोसा विद इन इट आर प्लेक्सिस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स लिम्फ वेसल्स एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ लिफ्ट टिश्यू इसमें भी अगेन वही ब्लड वेसल्स ए नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स कौन कौन से आर्टेरियल वेनियोल्स एंड कैपिलरीज तीनों हैं द नर्व प्लेक्स इन द सब मोकोसल प्लेक्सिस कॉन्टेनिक सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथिक नर्व्स दैट सप्लाई द मोकोसल लाइनिंग अभी जो हमने पीछे तस्वीर देखी थी ये जो नर्व प्लेक्सिस थे जो मसल्स में थे उसको हमने क्या कहा है मैंटेरिक प्लेक्सिस इसी तरह सब मोकोसल प्लेक्सिस भी होते हैं जो सब मोकोसा के लेवल पे नर्व्स का जो बंडल था उसको हम क्या बोलते हैं सबमोकोसल प्लेक्सिस ये आपको दिखा रहा है कि ये इस तरह इनके आगे ब्लड वेसल्स होती हैं नर्व्स वगैरह ऊपर मसल्स में भी थी और आगे आप सब मकोसा में भी ये सारी हैं उसके बाद मकोसा जिसको सिर्फ थ्री लेयर्स इसकी फर्दर तीन लेयर्स हैं पहली हमारे पास है म्यूकस मेम्ब्रेन फाउंड बाय क्लोमिनर अपीथीलियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड हैज थ्री मेन फंक्शन ये इनर मोस्ट लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन इसका काम क्या है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या सिक्रेशन या फिर एब्जॉर्बशन इसके बाहर हमारे पास क्या है लेमिना प्रोपिया है जिसमें टिशूज़ होंगे और उसके अलावा हमारे पास लिम्फॉय टिशू होगा जैसे हमने यहाँ देखें टिशूज़ लिम्फॉय नर्व्स वगैरह उसके बाद हमारे पास है मस्कुलरिस मकोसा या ऑटरमोस लेयर है जिसमें मसल्स हैं जिसका प्रोवाइड किया है म्यूकोसल लेयर को बेसिकली इन्वोल्यूशंस करवाना या चलाना जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनके सिक्रेशंस करवाना फिर ये जो म्यू हमारे पास म्यूकोसा ये म्यूकस सिक्रिएट करती है तो म्यूकस के भी कुछ फंक्शंस है क्या फंक्शन देख लेते हैं म्यूकस लुब्रिकेट्स द वॉल्स ऑफ द ट्रैक एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये म्यूकस जो है ये हमारी जो वॉल्व होंगे उसके इर्द गिर्द लगी हुई होगी इसका मकसद ये है कि जो स्टमिक के जैसे वॉल्स हैं या और कोई स्ट्रक्चर्स की वॉल्स हैं उनको बचाया जा सके किन से डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है म्यूकस Below द सरफेस इज द रीजन lined with columnar epithelium और collection ऑफ specialized सेल्स or glands which रिलीज secretions. म्यूकस है म्यूकस के नीचे जो हमारे पास epithelium होती है जहाँ पे ग्लैंड्स पड़े हुए होते हैं जो सेक्रेट करते हैं जैसे गैस्ट्रिक जूस जो है वो stomach से जो glands पड़े हुए हैं वो रिलीज करेंगे अंडर द एपीथीलियम लाइनिंग उसके बाद हमारे पास लिम्फॉइड टिश्यू वगैरह भी हैं जो इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंजेस्ट माइक्रोब्स से नेक्स्ट तो हमारे तो पास है डाइजेस्टिव uh, जूसेस डाइजेस्टिव जूसेज हमारे पास क्या है जैसे स्लेवरिक ग्लैंड से जो स्लेवा सिक्रिएट हुआ स्टमिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट हुआ इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड से सिक्रीशन आई उसे हमने इंटेस्टाइनल जूस कह दिया पेंक्रियास से जो इंसुलिन वगैरह आई उसे पेंक्रियाटिक जूस कह दिया उसके बाद लीवर से जो आई हमारे पास उसे हमने बाइल कह दिया इन सब का काम डाइजेशन में हेल्प करना होता है और इन सब लिक्विड्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं डाइजेस्टिव जूसेज दे मोस्टली कॉन्टेन इंजाइम डेट केमिकली ब्रेक डाउन फूड काम किया फूड को ब्रेक डाउन कराना नर्व सप्लाई अगेन इसको भी दो ही नर्व सप्लाई हैं जैसे हम ऊपर पढ़ते हैं पैरासिम्पथैटिक एंड सिंपथैटिक नर्व सप्लाई देर एक्शन आर एंटेगोनिस्ट एंड वन हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस दैन अदर अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स एट ए पर्टिकुलर टाइम इनका जो फंक्शन है वो अपोजिट है जैसे पैरासिम्पथैटिक का एक काम होता है कि डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देती है सिंपथैटिक का क्या काम है ये उसको रोक देती है तो एक दूसरे के इनके ऑपोजिट फंक्शन है वन वेन डाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड जैसे आपने खाना खाया डाइजेशन रिक्वायर्ड है तो वो किसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी पैरासिम्पथैटिक की क्यों क्योंकि इसका काम है डाइजेशन की प्रोसेस को एक्सेलरेट करना अब पैरासिंपथैटिक सप्लाई कैसे आती है वन पेयर ऑफ क्रेन अगेन वेगस नर्व जैसे हमने लंग्स में भी देखी थी वही जो है यहाँ पर भी सप्लाई कर रही है सप्लाईज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री एलिमेंट्रिकनॉल एंड दसेसरी ऑर्गन्स को भी वेगस नर्व सप्लाई करती है सेक्रल नर्वस से होती हैं सप्लाई द मोस्ट डिजिटल पार्ट ऑफ द ट्रैक जो ट्रैक के बहुत ही दूर दूर स्ट्रक्चर्स से उनको सेक्रल नर्व सप्लाई करती हैं काम क्या है सिंपथैटिक एक्टिविटी जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ाता है पैरासिम्पथैटिक स्टिमुलेशन जिससे हमने पेरिस्टॉल से ऊपर पड़ा है डाइजेशन के प्रोसेस को इन्हांस करता है दूसरा क्या है ग्लैंड से सक्रेशन करवाता है सिंपथैटिक कैसे ऑपोजिट काम है इट दिस इज प्रोवाइडेड बाई न्यूमरस नर्व दैट इमर्ज फ्राम द स्पाइनल कॉड इन द एंड नंबर रीजन ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं सिम्पथेटिक सप्लाई स्पाइनल कॉड से ये प्लेक्सिस बनाते हैं थोरेक्स में डोमन में पेल्विस में फ्रॉम विच नर्व पास टू द ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक इसका इफेक्ट उसका उल्ट है यहाँ पर मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ रही थी तो यहाँ कम हो जाएगी और यहाँ पर ग्लैंडर सिक्रेशन बढ़ रही थी तो यहाँ कम हो जाएगी कोई सवाल है तो पूछ लें We... ग्लैंड सिक्रीशन tamam. uh, जो होते हैं ना डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीशन आती है जो बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करती है कौन कौन सी सिक्रेशन है ये इधर आएगा ये जो हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव जोसेज जैसे सिलाईवरी ग्लैंड्स ने वो डाइजेशन कराते हैं ना तो वो सलाइवा सिक्रेट किए सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो जैसे ही आपने कुछ खाना खाया तो अब उसको डाइजेशन करानी है पैरासिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ उसने इस ग्लैंड में से स्लाइवर रिलीज़ करा दिया जो डाइजेशन डिजे, में हेल्प करेगी ये ग्लैंड है तो इससे जो चीज़ निकल रही है उसको हमने क्या कह दिया ग्लैंडोलर सिक्रेशन इसी तरह मैदे में अगर देखें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस निकाल रहे हैं इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जून है जूस है एंड पेंक्रियास में पेंक्रियाटिक जूस है